नमस्कार। होठ हमारे चेहरे का एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। गुलाबी होठ होना हर किसी की चाहत होती है। कुछ लोग तरह तरह के घरेलू उपचार करके अपने होठों को गुलाबी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं डॉक्टर भावना मंगला, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन मंत्रा से आज आपको बताऊंगी कि लिप डार्कनिंग को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर वक्त के साथ आपके होठ डार्क होते जा रहे हैं तो आप उसका क्या उपचार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लिप्स का कलर पिंक क्यों होता है। लिप्स की एनाटॉमी को अगर हम देखें तो वो बाकी की फेस की स्किन के हिसाब से अलग होती है। लिप्स में टॉप डेड सेल लेयर बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण अंडर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसके वजह से हमारे लिप्स का कलर पिंक होता है। दूसरा, लिप्स में मेलानोसाइट्स की मात्रा कम होने के कारण वो ज़्यादा पिंक नज़र आते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी लिप का कलर वेरी करता है रेडिश पिंक से ब्राउन की रेंज में। तो अब हम बात करते हैं कि हम लिप्स की डार्कनिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लिप्स पर किसी भी तरह के एलर्जेंस और इरिटेंट्स को आप अवॉइड करें। बहुत से लिप केयर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैम्फर, मिंट, मेंथॉल, स्पीयरमिंट, लेनोलिन। ये सभी एलर्जिक और इरिटेंट रिएक्शंस करते हैं जिससे लिप्स में डार्कनिंग हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि कलर्ड लिप बाम्स आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने। अगला कल्प्रिट है लिपस्टिक्स। लो क्वालिटी के लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स या लिप बाम्स या आपके लिप ग्लॉसेस, इसके अंदर हमारे परफ्यूम्स, सेंट, प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के बाद आपके लिप्स में डार्कनिंग कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप लेड फ्री लिपस्टिक्स को यूज़ करेंगे, सोने से पहले अपना लिप मेकअप अच्छे से रिमूव करेंगे, लिपस्टिक का कॉन्टैक्ट टाइम आपके लिप से कम रहे। तो ये सारी ही चीज़ों का आप अपने कॉस्मेटिक्स में ध्यान करेंगे। अगला है लिप्स पर स्क्रब्स को आप अवॉइड करें। मैंने आपको बताया था कि लिप्स की स्किन बहुत ही पतली होती है, तो जितने भी आप स्क्रब्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कमर्शियल स्क्रब्स हों चाहे होममेड स्क्रब्स हों, ये हमारे लिप्स में माइक्रो टीयर्स कर देते हैं जिससे हमारा वाटर लॉस बढ़ता है, तो उसके कारण भी हमारे लिप्स में पिगमेंटेशन आती है। नेक्स्ट है स्टॉप DIYs। इसमें सबसे कॉमन होता है लेमन जूस। लोग ये सोचते हैं कि लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन में फेयरनेस देता है या हमारे लिप्स को लाइटन करता है, लेकिन अगर आप लेमन लगाने के बाद धूप में निकलते हैं तो इससे बहुत ही सीवियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं और वो इस हद तक सीवियर हो जाते हैं कि उसके बाद आपका लिप्स और डार्क हो जाता है, जिसे कहते हैं PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अगला, आपको धूप से बचना है और लिप बाम्स जिनके अंदर SPF हो वही आपको अप्लाई करने हैं। ये SPF कंटेनिंग लिप बाम्स ना केवल आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे बल्कि आपको UV रेज से भी बचाते हैं। नेक्स्ट, लिप लिकिंग की आदत को आपको छोड़ना है। जितना आप लिप लिकिंग करते हैं उतना आपका लिप्स डिहाइड्रेट होता है जिसके कारण पिगमेंटेशन होती है। इसके अलावा सलाइवा जब आपके लिप्स के ऊपर रह जाता है तो उस सलाइवा ये कांस्टेंट आपके लिप्स पर इरिटेशन करता है जिससे आपके पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग। हम सब ये तो जानते हैं कि स्मोकिंग करने से लिप्स डार्कन होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लिप स्मोकिंग करते हैं तो आपके फ्री रेडिकल डैमेज होता है जिसके कारण पिगमेंटेशन आपकी बढ़ती है। अगला, स्मोकिंग करने से कोलेजन लिप्स में टूटता है, वॉल्यूम लॉस होता है, तो पिगमेंटेशन आपकी और ज़्यादा ऑब्वियस होने लग जाती है। नेक्स्ट, स्मोकिंग की हीट के कारण भी आपके पिगमेंटेशन बढ़ती है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान करिए और इस तरह से आप अपने लिप डार्कनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी लिप में डार्कनिंग हो चुकी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये लिप डार्कनिंग आपकी कुछ स्किन डिजीजेस के कारण भी हो सकती है, जैसे लाइकन प्लेनेस या हर्पीज के बाद, या किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकती है, जैसे एंटी मलेरियल्स, एंटी साइकोटिक्स, मेनोसाइक्लिन या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, या वाइटमिन और मिनरल डिफिशियंसीज जैसे आयरन डिफिशियंसी या वाइटमिन B12 डिफिशियंसी के कारण भी आपकी लिप डार्कनिंग हो सकती है। अब अगर ये सारी चीज़ें रूल आउट हो गई हैं तो उसके बाद आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला है टॉपिकल क्रीम्स। ये क्रीम्स कुछ हद तक आपके लिप्स में लाइटनिंग दे सकते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए रेटिनाइल पामिटेट, कोजिक डाइपामिटेट, अल्फा आर्बुटिन, नाइसिनामाइड, टोकोफिराइल एसिटेट। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स जब आप 3 to 6 मंथ्स तक इन क्रीम्स को आप यूज़ करेंगे तभी आपको कुछ लिप लाइटनिंग ऑब्वियस हो सकती है। अगला होता है केमिकल पील्स। अगर हम इन टॉपिकल क्रीम्स के एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपके केमिकल पील्स भी कर सकते हैं और ये पील्स बहुत ही माइल्ड होती हैं, क्योंकि अगर हम अग्रेसिव पील्स करेंगे तो आपको PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो पील्स यूज़ करी जाती हैं लिप्स के लिए वो होती हैं लैक्टिक पील, मेंडेलिक पील्स, आर्जिनिन पील्स या लो स्ट्रेंथ ग्लाइकोलिक पील्स।
अगला होता है लेजर्स। लेजर्स एक बहुत ही इफेक्टिव मोडालिटी होती है लिप लाइटनिंग के लिए। इसमें जनरली क्यू स्विच एंटी एग लेजर को या फ्रैक्शन लेजर्स को यूज़ किया जाता है। क्यू स्विच एंटी एग लेजर में लेजर बीम आती है नैनो सेकेंड्स की स्पीड से और वो पिगमेंट सेल्स को ब्लास्ट कर देती है। वो पिगमेंट जो फ्रेगमेंटेड पिगमेंट सेल्स होते हैं हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी से क्लियर कर देता है। इस तरह से सिक्वेंशियल सेशंस में आप लिप्स में लाइटनिंग देखते हैं। दो लिप लाइटनिंग आपको फर्स्ट या सेकेंड सेशन से ही विजिबल होनी शुरू हो जाती है। जनरली इसमें 6 to 8 सेशंस चाहिए होते हैं जो 2 to 3 वीक्स अपार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिप हाइड्रेशन बूस्टर्स। अगर आपके लिप्स बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत टाइम से लिप्स आपके चैप्ड और ड्राई रहते हैं तो ऐसे में आप लिप हाइड्रेशन बूस्टर्स भी करवा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट देते हैं जिसके कारण आपकी पिगमेंटेशन कम नज़र आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिप की केयर करना शुरू करिए और अगर लिप में डार्कनिंग है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर राइट ट्रीटमेंट करवाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।